बॉलीवुड की बिंदास क्वीन कंगना रनावत आज 35 साल की हो गई है। कंगना रनावत करीब 94 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है। कंगना कहीं भी किसी भी मुद्दे पर अपनी राय रखने में पीछे नहीं हटती। बड़ी बेबाकी से कंगना बिना डरे किसी के भी सामने कुछ भी बोलती है। ये बॉलीवुड की एकमात्र एक्ट्रेस है जो हमेशा ही विवादों में घिरी होती है। अपने पर्दे पर अदाकारा वैष्णो देवी मंदिर का दर्शन लेने भी पहुंची, जिसकी जानकारी कंगना रनावत की बहन रंगोली चंदेल ने इंस्टाग्राम के जरिए दी। कंगना रनावत एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ फिल्म मेकर भी है। सिल्वर स्क्रीन पर अलग अलग किरदारों का सशक्त रोल प्ले कर अपने अभिनय का अमिट छाप छोड़ने वाली कंगना बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक है। कभी भूखे पेट सोने वाली एक्ट्रेस की सफलता आश्चर्यजनक है। 23 मार्च 1987 में हिमाचल प्रदेश के भामला में पैदा हुई एक्ट्रेस बचपन से ही अपने सपनों को लेकर जुनूनी थी। क्वीन पंगा गर्ल के नाम से मशहूर कंगना रनावत सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखती है। आज भले ही कंगना सफलता की ऊंचाई पर है, लेकिन क्वीन बनने की राह एक्ट्रेस के लिए आसान नहीं रही। कंगना रनावत के पिता अमरदीप रनावत अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन कंगना तो एक्टिंग और मॉडलिंग की दुनिया में अपना मुकाम बनाना चाहती थी। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कंगना ने बताया था कि वो 12वीं क्लास में फेल हो गई थी तो माता पिता से झगड़ा कर दिल्ली आ गई। जिस समय कंगना ने घर छोड़ा उस समय वो मात्र 16 साल की थी। दिल्ली में कंगना रनावत ने बतौर मॉडलिंग करियर शुरू किया। ये दिन काफी मुश्किल भरे थे। कंगना ने खुद बताया था कि कई बार उन्हें सिर्फ ब्रेड या रोटी अचार खाकर गुजारा करना पड़ता था। किसी फाइनेंशियल हेल्प ना मिलने के बावजूद कंगना ने साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म गैंगस्टर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। ये फिल्म मिलने की कहानी भी कम फिल्म में नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अनुराग बासु ने कंगना को एक कैफे में कॉफी पीते हुए देखा और वेटर के जरिए एक कागज कंगना के पास भेजा, जिस पर लिखा था कि क्या वो एक्टिंग में दिलचस्पी रखती है। वहीं पर ऑडिशन के लिए ऑफर दे दिया। वहीं इस फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड पाने वाली कंगना को पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। क्वीन पंगा, फैशन, तनु वेजमनु, मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, थलाई भी जैसी महिला प्रधान फिल्मों में सशक्त अभिनय दिखा। एक्ट्रेस ने बता दिया कि अपने धम खम पर फिल्मों को सफल बनाने का दम उनके पास है। कंगना 4 बार नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी है। इसके साथ ही कंगना रनावत पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुकी है। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट।